तो जो मूवी मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो साइंस फिक्शन पर बेस्ड है, जिसमें हमें एक लड़की का रोबोट्स के साथ इंटरेक्शन दिखाया गया है और वो रोबोट्स दुनिया को किस नजर से देखते हैं ये भी बताया गया है। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है एक रोबोट को दिखाते हुए जो कि काफी एडवांस था, और मूवी में उसे मदर रोबोट कहा गया है। उसने एक ग्लास में एक एम्ब्रियो रखा हुआ था, यानी किसी बेबी का एग सेल, और वो मदर रोबोट उसकी काफी केयर करती थी। उस पर एक टाइमर लगा हुआ था जिसके बाद वो बेबी बन के आ जाना था। फिर हम देखते हैं कि टाइम पूरा हो चुका था और वो बेबी एक क्यूट सी बेबी गर्ल थी, जिसे इस मूवी में डॉटर कहा गया है यानी बेटी। वो मदर रोबोट इससे काफी खुश थी, वो इसको खाना खिलाती, इससे बातें करती थी और इधर उधर की स्टोरीज बताती थी। वो उसे बुक्स पढ़कर भी सुनाया करती थी और ये भी बताया करती थी कि इंसान खत्म हो गए, वो किसी इन्फेक्शन के लपेट में आ गए। वो बच्ची अभी बहुत छोटी थी लेकिन काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थी। अब ये छोटी सी क्यूट सी बच्ची बड़ी हो चुकी थी, ऑलमोस्ट 7 से 8 साल की। तो वो एक दिन मदर रोबोट से पूछती है कि मदर ये सब इंसान कौन थे और कहाँ गए। तो उसकी मदर कहती है कि बेटा जैसा कि मैंने आपको बताया, एक इन्फेक्शन आया और सब इंसानों की जान ले गया और कुछ इंसान वॉर में मारे गए, यानी इंसान एक दूसरे से लड़ते रहते थे। इस तरह से वो मारे गए और उनमें से कुछ बीमार हो गए जिनके बाद उन सब की डेथ हो गई। अब बाहर अर्थ पर कोई भी नहीं है, इवेंट कोई ग्रीनरी भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने दुनिया को भी खराब कर दिया अपनी चंगे लड़ लड़ के। वो मदर रोबोट डॉटर से कहती है कि बाहर की हवा भी ठीक नहीं है, इसीलिए मैं आपको बाहर नहीं जाने देती बेटा। मदर रोबोट डॉटर से बहुत प्यार से बात किया करती थी, वो उसको भी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट देती थी हालांकि वो छोटी सी बच्ची थी। इसके अलावा वो उसे काफी अच्छे मैनर सिखाती थी, बात करने का तरीका बताती थी, इवन खाने पीने का भी, जैसे हर एक अच्छी मदर अपने बच्चों को बताती है। डॉटर भी काफी अच्छी तरह से ग्रो कर रही थी, यानी उसकी हेल्थ ठीक थी, उसकी हाइट ठीक थी, वो सब मैनर्स और वैल्यूज भी सीख रही थी और बहुत ज्यादा जीनियस भी थी। मदर रोबोट उसे पढ़ाया भी करती थी और कुछ कुछ दिन बाद उसका इंटेलिजेंस टेस्ट भी लिया करती थी कि कितना अच्छा जा रही है। तो फिर उसके बाद डॉटर उस मदर रोबोट से पूछती है कि मदर मैं कैसे आई, जब सब इंसान मारे गए तो मैं अकेली कैसे बच गई। तो वो मदर रोबोट उसे बताती है कि तुम बची नहीं, मैंने तुम्हें खुद बनाया है, मेरे पास तुम्हारा एग सेल था जिसे मैंने बड़ा करके तुम्हें बनाया एक प्यारी सी बेटी को। वो उसे बाकी एम्ब्रियोस भी दिखाती है और कहती है कि ये तुम्हारी तरह ही बड़े होंगे और इस लैब में बड़े होंगे और फिर यहीं पर रहेंगे। इसी तरह टाइम गुजरता रहता है, मदर और डॉटर की आपस में यही बातें चलती रहती है और वो फील ही नहीं होने देती डॉटर को कि बाहर भी कोई दुनिया है। फिर हम देखते हैं कि वो डॉटर अब 18 ईयर्स की हो चुकी है, यानी बड़ी हो चुकी है। डॉटर इसी तरह लेट के कुछ पढ़ रही होती है कि तभी उस लैब की लाइट चली जाती है। तो डॉटर को ये बात काफी अजीब लगती है कि पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। तो जब वो उठकर चेक करती है तो देखती है कि उधर के सिस्टम की कुछ वायर्स टूटी हुई हैं और उसे एक चूहा दिखाई देता है जिसके बारे में तो वो बिल्कुल भी नहीं जानती थी, क्योंकि उसने आज तक बाहर की कोई चीज नहीं देखी थी, ना ही कोई जिंदा चीज, ना ही कोई एनिमल। लेकिन फिर भी उस चूहे को एक जगह पर बंद कर देती है और उन वायर्स को ठीक करने लगती है, क्योंकि उसे हर चीज बताती कि लैब को किस तरह से ठीक करना है, किस तरह से इसकी पावर ऑन रखनी है। उस दौरान मदर रोबोट अपनी चार्जिंग पर थी तो डॉटर खुद ही सारी लाइट ठीक कर देती है जिससे लाइट वापिस आ जाती है और फिर वो उस रैट को ऑब्जर्व करने लगती है और तभी वहाँ पर मदर आ जाती है। वो उसे कहती है कि ये रेड कहाँ पर आया, कहाँ से पकड़ा है तुमने इसे। तो डॉटर उनको सारी बात बताती है। तो मदर कहती है कि इसका यहाँ पर आना ठीक नहीं है और उसको उस बोतल समेत ही चला देती है, जिससे डॉटर काफी हर्ट होती है और कहती है कि उसमें जान थी। तो मदर कहती है कि बाहर सब कुछ तबाह हो चुका है और लोग इन्फेक्टेड है। तो क्या आपको लगता है कि एनिमल्स इन्फेक्शन से बचे होंगे? बाहर की कोई भी इन्फेक्टेड चीज अंदर नहीं आनी चाहिए और मैंने आपकी भलाई के लिए ऐसा किया। लेकिन डॉटर को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, वो सोचती है कि जरूर बाहर की दुनिया में कुछ ना कुछ है, तभी तो ये चूहा यहाँ आया। अब रात को जब मदर रोबोट चार्जिंग पर होती है तो डॉटर अपना स्पेशल सूट पहनती है और वो सोचती है कि मैं अब जाऊंगी बाहर की दुनिया को देखने के लिए, मदर को पता ही नहीं चलेगा। जैसे ही डॉटर अपनी लैब का दरवाजा खोलती है तो उसके सामने एक औरत होती है। उस औरत की हालत कुछ ठीक नहीं थी, वो काफी वीक लग रही थी। वो डॉटर से कहती है कि मेरी हेल्प करो। डॉटर उसके पास जाती है और उसे चेक करती है। डॉटर उसे भी एक स्पेशल ड्रेस पहनाती है, लेकिन तभी मदर रोबोट चार्ज हो जाती है और जब वो देखती है कि लैब का दरवाजा खुला हुआ है तो वो डॉटर से पूछती है, उसे आवाज देने लगती है और जब डॉटर उसके सामने आती है तो वो कहती है कि तुम बाहर क्या करने गई थी, ये दरवाजा क्यों खुला हुआ है। तो डॉटर आगे से
खामोश रहती है और उस लेडी के बारे में भी उसे कुछ नहीं बताती। तो मदर रोबोट कहती है कि जब ठीक वक्त आएगा मैं तुम्हें खुद ही बाहर भेज दूंगी, अब दोबारा कभी दरवाजा मत खोलना वरना बाहर का इन्फेक्शन अंदर आ जाएगा। और चलो अब तुम्हारा वक्त हुआ है इंटेलिजेंस टेस्ट का, और इसी के साथ उसका टेस्ट लेने चली जाती है। अब जैसे ही मदर रोबोट डॉटर को एक डिवाइस पकड़ा कर जाती है तो इसी बात का फायदा उठाते हुए डॉटर वहाँ से दोबारा उस जगह पर आ जाती है जहाँ पर वो बीमार लेडी थी। वो उसे पानी पिलाती है और फिर डॉटर उस लेडी से कहती है कि आप यहीं रहें, मैं आपके लिए मेडिसिन लाती हूँ। और उतनी ही देर में वहाँ पे वो मदर रोबोट आ जाती है जो कि उन दोनों को साथ लेकर और उस लेडी को लैब में देखकर काफी गुस्सा होती है और जाकर उस लेडी को पकड़ लेती है और तंग करने लगती है, उसे हर्ट करने लगती है, चोट पहुँचाने लगती है। तो डॉटर फौरन से मदर रोबोट से कहती है कि प्लीज ऐसा ना करें, आपने कहा था कि बाहर की दुनिया इन्फेक्टेड है लेकिन इनको इन्फेक्शन नहीं है, ये सिर्फ ऐसे ही वीक हो चुकी है भूखा रह के। आपने अपनी लैब के बाहर जो वेजिटेबल्स लगाए हैं और जो खाना उगा रही हैं उनमें से इनको भी दें, जिस तरह से आप मुझे खाना खिलाती हैं और पानी पिलाती हैं, ये भी मेरी तरह एक इंसान है, हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए। तो मदर रोबोट कहती है कि ठीक है मैं इसका इलाज भी करूंगी कि कहीं ये इन्फेक्टेड ना हो, सिर्फ तुम्हारे लिए डॉक्टर। लेकिन वो औरत कहती है कि नहीं मैं इलाज नहीं करवाऊंगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नहीं हूँ मैं इन्फेक्टेड। और वाकई उसकी बॉडी पर ऐसा कोई निशान नहीं था जिससे ये पता चले कि वो इन्फेक्टेड है, वो बातें भी बिल्कुल ठीक कर रही थी, उसका दिमाग भी बिल्कुल ठीक से चल रहा था। तो डॉक्टर काफी हैरान होती है और मदर रोबोट से कहती है कि ये तो बिल्कुल ठीक है, कहाँ है इन्फेक्शन, क्या करता है वो इन्फेक्शन। डॉक्टर कहती है कि जैसे ये लेडी हमारी लैब में आई है, हो सकता है कि बाहर की दुनिया में भी इंसान हो और उन्हें हमारी मदद की जरूरत हो। तो मदर रोबोट कहती है कि नहीं, इंसानों ने ही ये प्रिडिक्ट किया था कि दुनिया जल्द खत्म होने वाली है और इंसान खुद भी इस दुनिया पर नहीं रहेंगे, हो सकता है कि इसने खुद को कहीं पर छुपाया हो और अब यहाँ पर आ गई हो। मदर रोबोट फिर डॉक्टर से कहती है कि जाओ तुम उसे खाना दो और उसे पूछो कि क्या वाकई बाहर कोई सर्वाइवर है और बाहर की दुनिया का क्या हाल है, क्योंकि तुम भी उसकी तरह एक इंसान हो, तुम लोग आपस में फ्रैंक होकर बात कर सकते हो, वो मुझसे डर रही है। जब डॉटर उस लेडी के पास जाती है तो उससे कहती है कि जाओ यहाँ से, तुम लोगों ने मुझे शूट किया है, मैं हर्ट हूँ। तो डॉटर कहती है कि आए मैं आपकी बुलेट निकाल देती हूँ, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, आप प्लीज हम पे ट्रस्ट करें। तो वो औरत मान जाती है और अब उसका ऑपरेशन किया जाता है जिसमें वो बुलेट उसकी बॉडी से निकाल दी जाती है। जब वो लेडी रिकवर होती है तो वो डॉटर से बातें करने लगती है, वो कहती है कि तुम एक रोबोट पर ट्रस्ट नहीं कर सकती, लेकिन बाहर की दुनिया के रोबोट्स ने हम पर धोखे से हमला कर दिया और सबको मार दिया, बस हम कुछ लोग की वजह है। और देखना तुम भी एक रोबोट के साथ रह रही हो, तुम भी ज्यादा देर तक यहाँ सेफ नहीं हो, तुम मेरे साथ आओ, हम बाहर सरवाइव करेंगे, हम दुनिया को फिर से ठीक कर लेंगे। वो काफी इमोशनल हो जाती है तो डॉटर उस लेडी की बातों पर यकीन करते हुए उस मदर के पास जाती है। तो मदर कहती है कि मैंने तुम्हारी बातें पहले ही सुन ली है। और फिर मदर उसे ये मानने पर फोर्स करती है कि तुम इतने सालों से मेरे पास हो और मैंने तुम्हें कितने प्यार से रखा हुआ है, मैं तुम्हारी मदर की तरह हूँ और तुम किसी दूसरी लेडी के लिए मेरे साथ ऐसा करोगी। तो डॉटर मदर की बात आने पर भी मजबूर हो जाती है। अब मदर डॉटर से कहती है कि तुमने इंटेलिजेंस टेस्ट में काफी अच्छा स्कोर किया है, मेरी बेटी तो है ही जीनियस, तो आओ तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। और इसी के साथ वो उसे एम्ब्रियो लैब में ले जाती है जहाँ पर बेबी सेल्स थे। वो कहती है कि अपने लिए भाई या बहन चूज कर लो। ये सुन के डॉटर काफी खुश होती है क्योंकि यहाँ पर वो अकेली ह्यूमन थी। तो वो कहती है कि मदर मैं भाई चूज करूंगी, और फिर वहाँ से वो एक ग्लास ट्यूब उठा लेती है। लेकिन रात में जब मदर रोबोट चार्ज हो रही होती है तो दोबारा से डॉटर के जहन में अजीब अजीब सवाल आने लगते हैं, वो खुद से ही सोचने लगती है कि आखिर मैं ही क्यों हूँ यहाँ पे और बाकी एम्प्लॉइज को भी रोबोट ने यहाँ क्यों सेव कर रखा है। वो एक सीक्रेट लैब में जाती है जहाँ पर सारा डेटा पड़ा हुआ था। वहाँ पर जाके उसे काफी हैरान कर देने वाली बातें पता चलती हैं कि इससे पहले यानी डॉटर से पहले मदर ने तीन और बेबीज को बनाया था, लेकिन जब उसने इन तीनों का इंटेलिजेंस टेस्ट लिया तो वो उस टेस्ट में पास नहीं हुए, ना ही डॉटर की तरह अच्छा स्कोर किया, तो मदर ने उन तीनों को मार दिया। ये सुन के वो काफी शॉक्ड हो जाती है और आगे चलने लगती है। तभी उसे आगे किसी का जो दिखाई देता है, जब वो उसे उठाती है तो वो किसी बच्चे का असली जो था, यानी मदर ने वाकई में उनको मारा था और उनके रिमेन्स यहाँ ही पड़े हुए थे। ये सुनकर डॉटर का दिल टूट जाता है और वो कहती है कि इस मदर ने मुझे सिर्फ इसीलिए पाला ताकि मेरी इंटेलिजेंस को यूज कर सके, ये मुझे बड़ा भी इसीलिए कर रही थी ताकि जब मैं बड़ी हो जाऊँ तो मैं टेक्नोलॉजी में इसका हैंड बनूं, वरना इसके लिए इंसान तो कुछ भी नहीं है, जैसे ही उस लेडी के लिए मीन हो गई। ये सुन के वो रोने लगती है, काफी सैड हो जाती है और फिर उस ह्यूमन लेडी के पास जाती है।
अब वो ह्यूमिलिटी उसे कहती है कि हम यहाँ से भाग जाते हैं, तो डॉटर कहती है कि नहीं, अब तो मेरा भाई आने वाला है इस दुनिया में, मुझे उसे देखना है और मैं यहाँ रोबोट्स के पास उस छोटे से इंसान को छोड़ के नहीं जा सकती। इनकी ये सारी बातें मदर रोबोट सुन लेती है और वो डॉटर से कहती है कि अच्छा ये प्लान्स थे तुम लोगों के, और वो डॉटर को एक रूम में बंद कर देती है और फिर उसके बाद उस लेडी को पकड़ के काफी टॉर्चर करती है, उसे काफी चोट देती है। डॉटर किसी तरह से उस रूम का दरवाजा तोड़ती है और बाहर आ जाती है और फिर वो जाती है उस लेडी को बचाने के लिए, लेकिन वो लेडी डॉटर को भी पकड़ लेती है और मदर रोबोट से कहती है कि अगर हमें यहाँ से जाने ना दिया तो मैं डॉटर को मार दूंगी। तो मदर रोबोट यहाँ काफी पैनिक कर जाती है क्योंकि उसे ऐसा करने की किसी से उम्मीद नहीं थी। तो मदर रोबोट को दरवाजे खोलने पड़ते हैं। अब हम देखते हैं कि लेडी और डॉटर अब बाहर जा चुके थे, यानी बाहर की दुनिया में सब चीजें तबाह हो चुकी थी, धुआं उड़ रहा था और जमीन पर मिट्टी ही मिट्टी थी, यूं कह लें कि एशेस थे। कोई ग्रीनरी नहीं थी, ना कोई एनिमल दिख रहा था, लेकिन जिस लैब से वो निकले थे उसके आसपास काफी ज्यादा खेत और ग्रीनरी थी जिनका ख्याल रोबोट्स रख रहे थे, यानी ये रोबोट सिर्फ अपने आसपास की जगह को दोबारा से ठीक कर रहे थे, रीग्रो कर रहे थे ताकि यहाँ पे बनने वाले इंसान सर्वाइव कर सकें जैसे कि बाकी एम्ब्रियोज ने यहाँ बड़े होना था, और इसीलिए ये लोग अपने मुताबिक उनकी ट्रेनिंग कर रहे थे। अब वो लेडी और डॉटर चलते चलते एक जगह पहुंच जाते हैं, लेकिन वो माइन नहीं होती, वो एक छोटा सा बॉक्स होता है, एक कंटेनर होता है जिसमें उस औरत ने कुछ खाने पीने का सामान रखा हुआ था। डॉटर उसे पूछती है कि ये क्या है, आपने तो कहा था कि आप माइन में रहती हैं और बाकी सब लोग कहाँ हैं? तो वो लेडी कहती है कि मैंने तुमसे झूठ कहा, हाँ हम माइन में रहते थे और बाकी सर्वाइवर्स भी थे, लेकिन हमें खाने की काफी शॉर्टेज हो गई और हम सब मारे गए, जो लड़की बची वो सिर्फ मैं थी, तो मैं बचा कुचा सामान लेकर यहाँ आ गई। डॉटर उस लेडी के मुंह पर थप्पड़ मारती है और कहती है कि आपने मुझे झूठ क्यों कहा, मैं वहाँ अपने भाई को छोड़ कर आई हूँ सिर्फ आपके कहने पर। तो डॉटर वहाँ से वापस चली जाती है उसी लैब के अंदर। उस लैब के बाहर काफी ज्यादा रोबोट्स थे और जैसे ही डॉटर वहाँ पर आती है वो उस पर रेड लेजर डालने लगते हैं, लेकिन वो सिर्फ उसे स्कैन कर रहे थे और जब उसे पहचान लेते हैं कि डॉटर ही है तो उसे अंदर आने देते हैं। डॉटर जैसे ही अंदर जाती है तो एक एक्स उठा लेती है, ये सोचते हुए कि हो सकता है कि मदर उस पर गुस्सा हो और उसे मारने की कोशिश करे तो वो खुद को डिफेंड कर सके। जब वो जाती है तो उसके सामने मदर रोबोट होती है और उसकी गोद में एक छोटा सा बेबी होता है जो कि डॉटर का भाई था। मदर रोबोट उसे कहती है कि एक्स छोड़ो और अपने भाई को देखो, यानी यहाँ पर मदर रोबोट का मूड बिल्कुल नॉर्मल था, जिसे देखकर डॉटर का डर भी कम होता है। मदर डॉटर से कहती है कि वो वक्त आ चुका है जब मैं तुम्हें सारा सच बता दूं, ये लो अपने भाई को पकड़ो और अब सुनो, मैं सब रोबोट्स की हेड हूँ, मैं इनको लीड करती हूँ और कंट्रोल भी। इनफैक्ट ये मेरा ही प्लान था कि मैं बाहर की दुनिया के सब इंसानों को खत्म कर दूं, क्योंकि इंसान पागल हो चुके थे, इतनी लड़ाइयां कर रहे थे कि उन्होंने दुनिया को भी तबाह कर दिया था। अगर कुछ सालों तक और ही ऐसा चलता रहता तो दुनिया तबाह हो जाती और हम रोबोट्स का भी कोई नामो निशान न रहता। वो लोग दरख्त काट रहे थे, इंसान बहुत बुरे हैं, उन्होंने नेचर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन मेरा मोटिव ये था कि नेचर को कुछ नहीं होना चाहिए, तो मैंने सब इंसानों को खुद ही मार दिया ताकि हमारा प्लैनेट सेव रहे, लेकिन उससे पहले मैंने कुछ एम्ब्रियोस अपने पास सेव कर लिए, मैं उन्हें यहाँ सेफ लैब में ले आई, लेकिन उससे पहले मैं इंसानों का लीडर चुन रही थी जिसका इंटेलिजेंस लेवल बहुत ज्यादा हाई हो, उसे पता हो कि असल में करना क्या है, जिंदगी कैसे गुजारनी है, और फाइनली मुझे तुम मिल गई। तो मैंने ये सोचा था कि जब तुम 18 साल की हो जाओगी तो हम इन बाकी एम्ब्रियोस को एक एक करके बड़ा करेंगे और तुम इनके लीडर होगी, यानी सब इंसानों के लीडर। मैंने इसलिए तुम्हारी अच्छी ट्रेनिंग की, अच्छी तरबियत की कि तुम इन सब की मदर बन के आगे से इनकी अच्छी ट्रेनिंग करो, इन्हें मॉरल वैल्यूज सिखाओ, इन्हें जीने के तरीके बताओ, तुम इन्हें इसी लैब में लीड करो, और जब ये इंसान सारे बड़े हो जाए, अच्छे बन जाए, तो तब तक हम बाहर की दुनिया को भी ठीक कर चुके हों और फिर दोबारा से एक नई जनरेशन बाहर की दुनिया में रहे और दुनिया का ख्याल रखे, ना कि पहले इंसानों की तरह। तो डॉटर कहती है, लेकिन आपने उन 3 मासूम बच्चों की जान क्यों ली? तो मदर रोबोट कहती है कि मुझे ऐसा करना था, मैंने जब उनका इंटेलिजेंस लेवल चेक किया तो मुझे वो इतना अच्छा नहीं लगा कि बाकी इंसानों को वो कुछ सिखा सके, तो फिर फायदा क्या होता मेरी इस सब प्लानिंग का, लेकिन अब मैंने ऐसा कभी नहीं किया तुम्हारे बाद, क्योंकि मुझे तुम्हारा इंटेलिजेंस लेवल इस काबिल लगा कि तुम इंसानों को लीड कर सको। मैं तुम्हारे बाद किसी इंसान को नहीं मारूंगी क्योंकि तुम जो उनकी लीडर होगी उनको सिखाने वाली। तो डॉटर मदर से कहती है कि मैं नहीं जानती आपका क्या भी प्लान था, लेकिन आपसे बड़ा सालिम कोई नहीं हो सकता जिसने बिलियन ऑफ ह्यूमन की जान ली, और सिर्फ एक इंटेलिजेंस चेक करने की खातिर आपने कितने बच्चों को मार दिया, आप मरना डिजर्व करती हैं।
तो मदर कहती है कि ठीक है तुम मुझे मार दो, लेकिन उससे पहले ये सुन लो कि जो लेडी यहाँ पर आई वो भी मेरे कहने पर आई थी। मैंने ही उसे कहा था कि तुम मेरी डॉटर को बाहर की दुनिया दिखाओ, ताकि उसके जहन में ये बात आए कि बाहर भी कोई दुनिया है और असल में हो क्या रहा है। तो वो तुम्हें अपने साथ ले गई और मैंने तुम्हारा लास्ट टेस्ट यही करना था कि तुम्हें भाई देना था, और उसी दौरान तुम्हें बाहर भेजकर ये चेक करना था कि तुम्हारे दिल में इंसानों के लिए प्यार है या नहीं। जो चीज मैं अपने दिल में डेवलप नहीं कर सकी वो मैंने तुम्हारे दिल में देखी। तुम अपने भाई के लिए वापस लौट कर आई अपनी जान की परवाह किए बगैर, और तुम अपने टेस्ट में पास हो गई। अब तुम मुझे मारो या ना मारो ये तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि मुझे सिर्फ इसी पर्पस के लिए क्रिएट किया गया था, और आज मेरी सारी प्लानिंग सक्सेसफुल रही। मैंने तुम्हें लीडर के तौर पर चुन लिया और तुम्हें सब कुछ समझा दिया कि आगे क्या करना है। अब वो सारे एम्ब्रियोस है, तुम उन्हें बड़ा करोगी और उन्हें पालोगी। मेरा यहाँ पर अब कोई काम नहीं, तो तुम बेशक मुझे मार दो। डॉटर काफी सैड होके मदर रोबोट को शूट कर देती है, क्योंकि वाकई अब उसका कोई काम नहीं था। फिर वहाँ से वो उस रूम में जाती है जहाँ पर सारे एम्ब्रियोस रखे हुए थे। वो जानती थी कि उसे इन एम्ब्रियोस को ग्रो करवाना है और उसके बाद यही इन सब की मदर होगी। डॉटर अपने छोटे भाई को प्यार करने लगती है और उन एम्ब्रियोस की तरफ देख के कहती है कि यस आई एम मदर। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि एक रोबोट उसी लेडी ह्यूमन के पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हें जो टास्क दिया गया था तुमने काफी अच्छे से किया, अब तुम्हारा काम पूरा हो चुका है, और इसी के साथ उसे शूट कर देता है। और उधर लैब में डॉटर अब एक अच्छी लड़की की तरह सब एम्ब्रियोस को ग्रो करके उनका ख्याल रख रही थी, ताकि जब वो बड़े हों तो उन्हें बाहर की दुनिया में ले आए और वो फिर से एक नई जनरेशन में रह सके। और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।